होती है? बौनापन होता है। कौन सा बौना? इसे कहते क्या है? ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द थायरॉइड ड्वार्फ। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्वार्फ, पिट्यूटरी ड्वार्फ एंड थायरॉइड ड्वार्फ। इन द पिट्यूटरी ड्वार्फ मेंटल डेवलपमेंट फुल्ली टेक्स प्लेस। इन द पिट्यूटरी ड्वार्फ ओनली द फिजिकल डेवलपमेंट सीजेस। जो सर्कस के जोकर होते हैं वो मेंटली डेवलप होते हैं, फिजिकली ड्वार्फ होते हैं, दैट इज द पिट्यूटरी ड्वार्फ। एंड दिस टाइप ऑफ ड्वार्फ इज द थायरॉइड ड्वार्फ, इन विच द मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट बोथ सीजेस। दोनों का डेवलपमेंट कम रह जाता है, ना वो फिजिकली बढ़ता है ना वो मेंटली बढ़ता है। इसे कहते हैं यहाँ पर ड्वार्फिज्म, आल्सो कॉल्ड द थायरॉइड ड्वार्फ, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज में अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मेंटली भी डेवलपमेंट रुक जाएगा, फिजिकली डेवलपमेंट रुक जाएगा। अब हम आते हैं इसके बाद कौन सी स्टेज में? एडोलेसेंस स्टेज, यंग स्टेज इसे कह सकते हैं। अगर इस स्टेज में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी थायराइड हार्मोन की तो उसे क्या कहेंगे? वाटर तो बाद में कहेंगे, मिक्सोडीमा भी एक वर्ड यूज होता है, ठीक है। क्या मिक्सोडीमा वर्ड यूज होता है? उसमें बॉडी के नीचे जो है म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, स्किन के नीचे जिसके नीचे म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, जो बॉडी होती है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती है, उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा इररेगुलर हो जाता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉइड हार्मोन इन द यंग स्टेज द एडोलेसेंस स्टेज, तो वो कंडीशन हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? मिक्सोडीमा। नाउ द गोइटर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज, आल्सो कॉल्ड द एंडेमिक डिसीज। व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक डिसीज? एक होता है पेंडेमिक, कोरोना देख रहे हैं ना, कोरोना ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको परेशानी की, दैट इज द पेंडेमिक। पेंडेमिक जो कॉन्टिनेंट से निकल के सारे कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस कर दे। कॉन्टिनेंट जाते हैं ना महाद्वीप, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, ये अटलांटिक जितने भी हैं हमारे कॉन्टिनेंट, अगर कॉन्टिनेंटल डिसीज है इट इज कॉल्ड द पेंडेमिक, और पर्टिकुलर एरिया में ही केवल फिक्स है दिस डिसीज कॉल्ड द एंडेमिक। लोकल डिसीज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर प्लेस, बहुत बड़े स्पेस में नहीं है, तो इट इज फाउंड इन द हिली एरियाज। केवल हिली एरियाज के लोगों में गोइटर होता है, प्लेन्स में लोगों में नहीं होता है, मैदानी क्षेत्रों में। क्यों होता है हिली एरियाज में? क्योंकि हिली एरियाज में जो सॉइल होती है वो सॉइल नॉर्मली ऐसे वर्टिकल होती है, स्लोपी होती है, तो जैसे ही बारिश होती है द लॉट ऑफ आयोडीन विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इज ब्लीच्ड आउट, बह जाता है आयोडीन मिट्टी के साथ, बारिश के साथ बह जाता है, तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द सॉइल। तो फिर प्लांट्स भी जो एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको आयोडीन नहीं मिलेगा। जब प्लांट को आयोडीन नहीं मिलेगा तो प्लांट प्रोडक्ट जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी आयोडीन नहीं होगा। तो इस हिली एरियाज में इसलिए गोइटर ज़्यादा होता है, एक्टिविटी होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने आज से 40-50 साल पहले आयोडाइज नमक शुरू किया था, ठीक है। आयोडाइज क्यों शुरू किया था? ड्यू टू द क्योर ऑफ द थायरॉइड, थायरॉइड क्या कर सके? ठीक कर सके। तो बहुत सारे लोग उस समय वो खुला वाला नमक खाते, जो डेली वाला आता है ना उसमें आयोडीन नहीं, क्योंकि नमक जो बनाया गया साल्ट वाटर से उसमें आयोडीन की परसेंटेज बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि आयोडीन किससे ऑब्टेन होता है? आयोडीन मिलता है किससे? सॉल्ट वाटर से। और मान लीजिए सॉल्ट वाटर में डेफिशिएंसी अलग से हमको मिलाना है तो कहाँ से लाते हैं? कोई आयोडेक्स जो बनाते हैं ना, वो आयोडेक्स वो भी कैसे बनती है? एल्गी नाम सुना है? एल्गी शैवाल, जो बड़े बड़े एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी स्पेशली, तो ब्राउन एल्गी इज आल्सो कॉल्ड द केल्प, लेमिनेरिया एंड सार्गासम, फ्यूगस लेमिनेरिया सार्गासम, दीज आर द एल्गी विच क्या करते हैं? स्टोर द आयोडीन, आयोडीन को स्टोर रखते हैं। इस केल्प को समुद्र से काट कर ले आते हैं, इसको सुखा के जला देते हैं। द एश कंटेन्स द लॉट ऑफ आयोडीन, उसकी जो राख होती है उसमें आयोडीन होती है, उसी ऐश को नमक में मिला देते हैं पीस करके, इट्स द आयोडाइज्ड साल्ट। तो जो डेली वाला नमक होगा उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर केल्प को मिला देते हैं। तो ये गोइटर जो है एंडेमिक डिसीज है, और ये ऐसी डिसीज है दैट इज क्यूरेबल। जैसे ही आप आयोडाइज रिच फूड लेते हैं, आयोडीन रिच फूड लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स से इसमें आयोडीन पाया जाता है, जो सी एनिमल्स होते हैं, मैरा एनिमल्स,
कौन कौन से क्रेश फिश वगैरह है जो लोग खाते हैं उसमें भी आयोडीन होता है। तो आप जब ये सारे फूड लेते हैं तो आधी विधि में ग्वाइटर क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो ग्वाइटर मीन्स द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्या हो गई है, बड़ी हो गई। व्हाई? ये हमारी नेक है, इसके पीछे फूड पाइप है, समझ रहे हैं, इसके पीछे कहाँ गया फूड पाइप है, ये साउंड बॉक्स के पास है। तो जैसे ही फूड पाइप है, इट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन द थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस देयर साइज टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर आयोडीन फ्रॉम द किससे, इसोफेगस। ये अपना साइज ये बढ़ाती है क्योंकि ये आयोडीन की कमी है, तो ये अपना साइज बढ़ाती है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा आयोडीन फूड पाइप से क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। इसीलिए इसका जो साइज बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या है, हमारा ग्वाइटर बन जाता है। जैसे आयोडीन रिच फूड मिलने लगता है तो अपने आप थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन प्राप्त होने लगा, तो फिर धीमे 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 एक ग्लैंड क्या कर जाती है, यहाँ पर शिफ्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है, तो हमारा ग्वाइटर क्या होता है, ठीक हो जाता है। जैसे फिर से डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की फूड में, तो फिर ये ग्लैंड का साइज बड़ा कर लेगी, इसलिए जरूरी नहीं कि एक बार ठीक हो जाए दोबारा नहीं हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आयोडाइज साल्ट आप लेते रहिए, धीमे धीमे हमारी बॉडी में आयोडीन पहुँचता रहेगा फूड से, और ये आराम से थायरोक्सिन बनाती रहेगी। अगर थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी, इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर ये साइज इतना बड़ा कर लेगी। दिस इज कॉल्ड द हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब एक इसमें आता है हाशिमोटो डिसीज, नाम सुना है, नहीं सुना कभी, हाशिमोटो डिसीज कभी नहीं सुना। जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड कभी कभी बहुत कम सीक्रेशन करती है, देयर इज द वेरी वेरी लिटिल सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड ड्यू टू विच द थायरोक्सिन लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज वेरी लो इन द ब्लड। इतना लेवल कम हो जाता है दैट आवर रिसेप्टर सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो कैसा होता है, देयर इज लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं देखिए ना, और इसमें क्या होते हैं प्रोटीन है, जो देयर इज द पेरिफेरल प्रोटीन, देयर इज द इंटेग्रल प्रोटीन, सिंगर निकोलसन का मॉडल देखा, प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन इन नेचर, बाय लेयर ऑफ लिपिड इनवलप्ड बाय द प्रोटीन, व्हेन द प्रोटीन इज प्रेजेंट द पेरिफेरी इज कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन, एंड द प्रोटीन व्हिच क्रॉसेस द लिपिड बॉर्डर इज कॉल्ड द इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो देयर इज लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट लगा है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइको प्रोटीन, इस पे लगा हुआ है लिपिड पर तो ग्लाइको लिपिड, इसका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है, ग्लाइको लिपिड्स, ये जो है इनमें रिसेप्टर्स होते हैं, दे आइडेंटिफाई द, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी सेल्स एज वेल एज लिक्विड, हमारी बॉडी के सेल्स हैं या उसका सीक्रेशन है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा कम सीक्रेशन होता है वेरी वेरी लेस अमाउंट में, तो थायरोक्सिन हार्मोन को हमारे रिसेप्टर्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रिसेप्टर्स कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स ओन हार्मोन, अपनी बॉडी के हार्मोन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और क्या करते हैं उसको क्या मानते हैं एंटीजन, एंड मेक द एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड द हाशिमोटो डिसीज। आप समझ लीजिए कि थायराइड ग्लैंड को ही ये एंटीजन मान करके हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगी, तो उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारी एंटीबॉडी फंक्शन करेगी, एंड अल्टीमेटली द थायराइड ग्लैंड बिकम्स डेड, थायराइड क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द ऑटो इम्यून डिसीज, आल्सो कॉल्ड द सुसाइड, ठीक है। हमारी बॉडी में थायराइड को हमारी ही सेल ने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, इसीलिए इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, और इट इज आल्सो कॉल्ड द हाशिमोटो डिसीज, और तुरंत डेथ हो। तो आप देखिए कि हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कितना इसेंशियल है, ना उसको हाइपो कंडीशन में जाना है ना हाइपर में जाना है, माइक्रोग्राम में भी सीक्रेशन क्या होता है हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे कुछ लोग जाते हैं बॉडी बनाने के चक्कर में तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाते हैं थोड़ा मसल्स को ठीक करने के लिए, वो टैबलेट खाते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लोग आपको टैबलेट देते हैं या जो मेडिकल स्टोर में बैठे हुए हैं दे आर नॉट द डॉक्टर्स, और डॉक्टर में भी
जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम की अलग से स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। उनको पता है कि माइक्रोग्राम में भी थोड़ी सी डोज ऊपर या नीचे हो जाने पर आपकी बॉडी की पूरी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी अच्छा डॉक्टर, ब्रांडेड डॉक्टर कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप एक हार्मोन के इंजेक्शन लीजिए या प्रिस लीजिए ताकि आपकी बॉडी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। कोई डिसीज है तो उसको ठीक करने के लिए दे सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर टेबलेट्स आती है, पिल्स आती है, लंबाई बढ़ाने को ये आती है, ये सब हार्मोनल पिल्स होती हैं और उनको नहीं पता हो तो आपको भेज दिया। अब आप खा रहे हैं उसमें तो या तो हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा या हाइपर हो जाएगा। थोड़ी भी अमाउंट में अगर सिक्रीशन अगर डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी दैट इज नॉट कंट्रोल, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकती है। कुछ कंडीशंस में जो सेक्स हार्मोन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके अतिरिक्त हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, तो हो सकता है कि मेल में फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होने लगे। ठीक है, फीमेल में मेल के कैरेक्टर डेवलप होने लगे उसे कहते हैं यहाँ पर फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, वो अभी आगे पढ़ाएंगे। तो ये जो कंडीशंस क्रिएट होती है हार्मोनल के डिसबैलेंस जो होती है, हमारी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस नेचुरली अगर हो रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन हमको अलग से ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है जिससे बॉडी का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। अब हम आते हैं किसमें हाइपर सिक्रीशन। अभी तक तो हमने पढ़ा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर मींस एक्सेस सिक्रीशन। अगर थायराइड का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो निश्चित है कि आप समझ लीजिए कि हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सेस ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जरूरत से ज़्यादा आपको क्रोध आएगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग लगातार होगी बॉडी से और चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अगल बगल कोई बैठेगा नहीं कहेगा, दिन भर जो है लड़ता रहता है सबसे। एक और मेन पॉइंट है, जब ये कंडीशन होगी उस कंडीशन में हमारा जो आई बॉल है, आई बॉल के नीचे म्यूकस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बॉल नीचे म्यूकस कनेक्ट हो जाएगा तो आई बॉल बाहर को आ जाएगा। अभी जितनी दिख रही है ना केवल 1/6 पार्ट दिख रहा है, उस समय 2/3 पार्ट बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक गोइटर। ध्यान रखिएगा ये वो गोइटर नहीं, वो था हाइपोथायरॉयडिज्म। एक्सोथर्मिक हिंदी में कहते हैं नेत्रोसेगी घेंगा। इसमें आई बॉल बाहर आ रहा, पूरा नहीं निकल आएगा कि हाथ में आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग डर जाएंगे। एक्सोथर्मिक गोइटर है, ये हाइपर सिक्रीशन के कारण हो रहा है। किसने डिस्कवर किया था? ग्रेव्स ने खोजा था, एक साइंटिस्ट ने, ग्रेव्स, आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। लेकिन आप ये ध्यान रखें एक्सोथर्मिक गोइटर ये हाइपरथायरॉयडिज्म से हो रहा है। इससे पहले जो डिजीज हो रही थी कौन सा, ड्वार्फिज्म था जिसमें मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो गया, रुक गया था। फिर इसके बाद मिक्सोडीमा था, फिर हाशिमोटो डिजीज थी और गोइटर था, वो सब क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक, हम आते हैं पैराथायरॉयड। एट द फोर्थ कॉर्नर्स ऑफ द थायरॉयड दिस इज कॉल्ड द पैराथायरॉयड। चारों कॉर्नर पर एक ही छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होता है स्मॉल ग्लोब्यूल की तरह का, दैट इज कॉल्ड द पैराथायरॉयड। एज वेल एज द पैराथायरॉयड सीक्रेट द हार्मोन इज कॉल्ड द पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड इज कॉल्ड द पैराथायरॉयड। तो उसी से नाम पड़ा है, दैट इज द पैराथार्मोन। ठीक है, अब जो पैराथार्मोन है, अभी एक चीज और रह गया, थायराइड में अभी कैल्सिटोनिन हार्मोन, नॉन आयोडीन, जो नॉन आयोडाइड हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन है। उसका केवल इतना ही फंक्शन है कि जो कैल्सिटोनिन है एज वेल एज पैराथार्मोन दे एक्ट अगेंस्ट ईच अदर। आप बस इतना समझ लीजिए कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम से रिलेटेड है, तो इट इंड्यूस द कैल्शियम इन द बोन, बोन में कैल्शियम के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो हमारी बोन क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अब जो पैराथार्मोनेट इज सिक्रेटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड, नाउ द पैराथार्मोन फंक्शन क्या है इसका, इट मेंटेन्स द कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी। बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स जो है उसकी परसेंटेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब रेगुलेशन में क्या करेगा, ये पैराथार्मोन है और ये कैल्सिटोनिन, बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। कैसे वर्क करेंगे, जो पैराथार्मोन होता है वो हमारी
ECF लाते एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ये टिश्यू फ्लूइड में यहाँ पर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, इसमें टिश्यू फ्लूइड और फास्फेट के परसेंटेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसका मतलब है पैराथार्मोन टिश्यू फ्लूइड में किसकी परसेंटेज को बढ़ाएगा, कैल्शियम को, तो जब टिश्यू फ्लूइड में बढ़ेगा तो बोन में कम हो जाएगा, और कैल्सिट्रोनिन क्या करता है, ये जो कैल्शियम आयन की परसेंटेज को बढ़ाता है किसमें, बोन, इट स्टिमुलेट्स द कैल्शियम आयन इनटू द ब्लड, और जब ब्लड में या सॉरी बोन में जब स्टिमुलेट करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, ये पैराथार्मोन टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम के परसेंटेज को बढ़ाता है और ये बोन में बढ़ाता है। अगर इसका लो सिक्रीशन हो जाए, हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, तो जैसे ही लो सिक्रीशन होगा तो आप देख रहे हैं लो सिक्रीशन होने पर टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम की परसेंटेज कम हो जाएगी, और जैसे टिश्यू में कम होगी तो बोन में कैल्शियम की परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो बोन क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। समझिएगा किसके कारण से, हाइपो कंडीशन, अगर हाइपो पैराथायरॉइडिज्म तो यहाँ पर बोन में कैल्शियम की परसेंटेज बढ़ी, ठीक, तो जिस समय कैल्शियम की परसेंटेज बढ़ती है ये पैराथार्मोन में हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, तो अगर कैल्शियम की परसेंटेज बढ़ती है तो उसे कहेंगे यहाँ पर बोन में बढ़ रही है और टिश्यू फ्लूइड में क्या हो रही है, कम हो रही है, तो टिश्यू फ्लूइड के वर्ड यूज होता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो माने कम, कैल्शियम माने कैल्शियम किसमें, टिश्यू फ्लूइड में, तो टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, एज वेल एज हाइपरफॉस्फेटीमिया। क्यों, क्योंकि आप देख रहे थे ये हार्मोन फास्फेट की मात्रा को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, और कैल्शियम की मात्रा टिश्यू में बढ़ा रहा था, जैसे ही इसका सिक्रीशन कम होगा तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और फास्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी, सिंपल सा है। तो हाइपर माने एक्सेस, हाइपो माने कम, अब ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द फास्फेट इनटू द टिश्यू फ्लूइड देयर इज क्या हो जाएगा, फास्फेट की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी बॉडी के अंदर तो ओवर एक्साइटमेंट, ठीक है, और जो नर्व का जो कंडक्शन है, मसल कंडक्शन है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फास्ट हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्साइटमेंट आएगा। अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपर सिक्रीशन, तो हाइपर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिस कारण हाइपरकैल्सीमिया, जब टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो बोन में कम हो गई, जैसे ही बोन में कम हुई दैट इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डी क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है, फ्रेगाइल हो जाती है 40 से 50 केस के बाद, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के कारण हमारी जो बोन्स होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने से बोन्स पोरस हो जाती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। अब कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो फास्फेट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक का परसेंटेज बढ़ता है तो दूसरे का कम होता है, जब कम होगा तो हाइपो, अधिक होगा तो हाइपर, और जैसे ही फास्फेट की मात्रा कम हो जाएगी तो जो नर्व कंडक्शन है, मसल का जो कंडक्शन है, इसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो जो मैसेज ट्रांसमिट सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। इतना सा है, जो पैराथायरॉइड पैराथार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और यहाँ पर जो पैराथार्मोन सिक्रीट करने के बाद हाइपो और हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। एक चीज आपको और याद रखना है कि जहाँ पर जो हमने सबसे पहले ग्लैंड पड़ी थी थायराइड ग्लैंड, उससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था, उस थायरॉक्सिन हार्मोन को सबसे पहले ईसी कैंडल ने क्या किया था, ऑप्टेन किया था, प्राप्त किसने किया था, ईसी कैंडल ने, ऑप्टेस्टराइज किसने किया था, एक साइंटिस्ट है हैरिंगटन एंड बर्गर, ऑप्टेस्टराइज बाय द हैरिंगटन एंड बर्गर, इसने क्रिस्टलाइज किया था, ऑप्टेन किया था ईसी कैंडल ने थायरॉक्सिन। जो पैराथायरॉइड है उसमें जो हार्मोन रिलीज हो रहा है पैराथार्मोन, वो एक साइंटिस्ट है यहाँ पर जिसने क्रिस्टलाइज किया, क्रेग एंड रेसमुसेन, क्या नाम है, क्रेग एंड रेसमुसेन,
ये सब आपको बुक्स में मिल जाएगा, कोई ऐसा स्पेशल फीचर नहीं। आपके लिए फंक्शन देखना है कि कैसे हाइपो में क्या कंडीशन होती है, हाइपर में क्या कंडीशन, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए कि टिश्यू फ्लूइड और बोन में अपोजिट फंक्शन होता है। अगर ये टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिक बोन में कम हो जाएगा, और जब ये बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा तो टिश्यू फ्लूइड में कम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो वर्ड यूज हुआ है ये टिश्यू फ्लूइड के आधार पर, हाइपो हाइपो ये बोन के आधार पर नहीं। हाइपोकैल्शेमिया माने देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन द टिश्यू फ्लूइड। ठीक, और हाइपर मींस द एक्सेस ऑफ द फास्फेट इन द टिश्यू। तो आपने अभी पढ़ा एड्रेनल, फिर क्या पढ़ा, सॉरी एड्रेनल नहीं, थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड। तीसरे पार्ट में हम आते हैं, कौन सी ग्लैंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी है, एड्रेनल पढ़ लेते हैं, है पिट्यूटरी भी है, पिट्यूटरी पढ़ेंगे। सर एड्रेनल ग्लैंड सबने देखा है, एट द टॉप ऑफ द किडनी द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एड्रेनल ग्लैंड। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द टू पार्ट्स, द एड्रेनल मेडुला इनर साइड एज द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो आपको पता है जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड द एड्रेनल मेडुला। बोथ पार्ट्स सीक्रेट देयर ओन हार्मोन, दोनों अपने अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अगर हम एड्रेनल कॉर्टेक्स पार्ट देखते हैं तो अभी मैंने देखा था जहाँ हमने आपको कैटेगराइजेशन किया था हार्मोन का, एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन थे ठीक है वो कैसे थे। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में हम आते हैं, इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, इट कंटेन्स द थ्री लेयर्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में थ्री लेयर्स होते हैं, तो थ्री लेयर्स हैं तो जोना कहते हैं लेयर, ठीक है, तो क्या नाम देते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलाटा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना फैसिकुलाटा है और जोना रेटिकुलरिस है। जोना माने लेयर। अब आप देखिए जो एड्रेनल कॉर्टेक्स में थ्री लेयर्स थी, तो एक हार्मोन होता है यहाँ पर जिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, द अपर लेयर ऑफ दिस एड्रेनल ग्लैंड या अपर लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट द ग्रुप ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो माने मिनरल्स को बैलेंस कर रही है, कॉर्टिकॉइड्स माने कॉर्टेक्स भाग से रिलीज हो रही है, नाम में सब लिखा रहता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हमारी बॉडी में हमारे इट इज आल्सो कॉल्ड द साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मिनरल्स माने साल्ट, तो साल्ट को हमारी बॉडी में मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इस कारण मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो एग्जांपल है उसके वो क्या है, एल्डोस्टेरोन एग्जांपल है, कौन सा, एल्डोस्टेरोन, इट इज आल्सो कॉल्ड द साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो ये वैसा ही डिफरेंस है जैसे इसको हम स्टूडेंट कहते हैं, ये आपका पर्टिकुलर नाम है, उसी तरह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ग्रुप। ठीक, तो मिनरल्स की बॉडी में क्या करना है, मेंटेन करना है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में साल्ट का बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है, साल्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आपको पता है ये तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी ब्रॉन्ज कलर की हो जाएगी, ब्रॉन्जिंग कहते हैं उसको, बहुत सारी यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू द इररेगुलर सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। दूसरी कंडीशन में हम आते हैं यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेटेड बाय द मिडिल लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिकॉइड्स माने कॉर्टेक्स से बना है, ग्लूको माने नॉट केवल ग्लूकोज, ग्लूको माने कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, तो आप सोचिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है हमको एनर्जी प्रोडक्शन दे रहा है, एनर्जी के लिए एसेंशियल है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ठीक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो निश्चित है कि ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में, तो पूरा आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जब एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा
तो आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज इज ऑफ टू टाइप्स, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलिटस। दिस इज द डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ यूरिन सिक्रीशन, वो किसमें पड़ते हैं, ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी से पड़ते हैं, एडमिल मेडुला वाले में आ जाता है। अब हम आते हैं तीसरा, सेक्स हार्मोन, इट इज सीक्रेटेड बाय द मिडिल एज वेल एज इनर लेयर ऑफ द एडनल कॉर्टेक्स। सेक्स हार्मोन में आपको पता है मेल हार्मोन्स भी हैं और फीमेल हार्मोन्स भी हैं, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस नॉर्मली कहते हैं। सेक्स हार्मोन हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को। दीज आर द एडनल कॉर्टेक्सल हार्मोन। अब जो एडनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं उन्हें लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हमारे रेगुलेट कर रहे हैं, साल्ट बैलेंस को बनाए रखे हैं, और सेक्स हार्मोन को अगर हटा दें तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सबसे एग्जाम्पल, जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, नाम दिया जाता है कॉर्टिसोल। क्या यूज है, यूज ये है कि जो हमारे अर्थराइटिस या गठिया हो जाता है उस गठिया के उपचार में जिस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो इसके इंजेक्शन दिए जाने से जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़ा देर से बनते हैं, और हमारे जो गठिया है डिसीज वो पहले से अगर कॉर्टिसोल इंजेक्शन देने लगते हैं तो पेन कम हो जाता है और फाइबर्स देर से बनते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है यहाँ हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडनल कॉर्टेक्स, तो चूंकि लाइफ सेविंग हार्मोन है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो तरह तरह के क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, और अगर हाइपरसिक्रेशन हो गया तो एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा तो भी विभिन्न तरह के क्या उत्पन्न हो जाएंगे, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो एडनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाते हैं, इसके हाइपो और हाइपर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बॉडी में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फिर हम आते हैं एडनल मेडुला। एडनल मेडुला आपको पता है सेंट्रल पार्ट के हार्मोन, और एडनल मेडुला में मुख्य रूप से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दे आर कॉल्ड द, क्या कहते हैं उनको, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, आल्सो कॉल्ड द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर लगा हुआ है। एड्रेनालिन है और नॉर एड्रेनालिन, आल्सो कॉल्ड द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। क्या फंक्शन है, स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में ये वाले हार्मोन, या आल्सो कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इसलिए स्पेशली इसको कहते हैं। देखिए कई जगह लिखा होता है बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके आपको वहां से भाग जाना है तो उसको फेस करना है, ठीक है। अचानक 8-10 कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे तो फिर बहुत पहलवानी दिखाने से मतलब नहीं है, 10-12 जगह काट लेंगे, ठीक है, इससे अच्छा है कि वहाँ से भाग जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हम वहाँ से भाग नहीं पा रहे हैं किसी सिचुएशन में तो फिर फाइट करना है। इसके लिए बॉडी को जो इमरजेंसी में बहुत तेजी से एनर्जी देता है वही हार्मोन देता है, इसीलिए फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, कि बॉडी को हमें हार्मोनिकली क्या करता है, प्रिपेयर करता है। एक तो न्यूरोलॉजिकली होता है नर्वस सिस्टम से, एक तेजी से, बहुत तेजी से गाड़ी सामने से चली आ रही है तो हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन करेगा तेजी से कि हमको कूद के किनारे हो जाए तो हमारे पर चढ़ा देगा, ये नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मैसेजिंग सिस्टम है। लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ साथ किसी परिस्थिति को फेस करने के लिए जो हमारा हार्मोनल चेंज होता है क्विक, उस समय यहाँ पर ये फाइट या फ्लाइट हार्मोन है और एड्रेनालिन हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल। एक सिंपैथेटिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होता है, आपको पता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। तो एक सिंपैथेटिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होता है और एक पैरासिंपैथेटिक से होता है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम से होता है वो एक्टिव समय में, जिस समय हम जाग रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी को
जो कंट्रोल करने का कार्य है वो सिंपैथेटिक सिस्टम द्वारा है, और जिस समय हम इनएक्टिव है, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उस समय रेस्टिंग स्टेज में है, उस समय पैरासिंपैथेटिक सिस्टम द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो जो एड्रेनलिन होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है और उसके कारण से हमारा बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। वो वैसे कंस्ट्रिक्टर है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी बढ़ जाएगा, और ये जो है नॉर्डलिन जो है क्या करेगा, वैसो डायलेटर हो जाएगा, तो ब्लड हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम द्वारा क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स या एड्रेनल ग्लैंड के बाद हम आते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी या इन द एनिमल बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड कहाँ पाई जाती है, तो भाई मास्टर ग्लैंड है ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में किस जगह, एक हमारी ब्रेन में स्प्लाइड बोन है, उसमें एक कैविटी है सेला टर्सिका, उस सेला टर्सिका में लिखा रहता है कि मटर के दायनुमा इनफंडिबुलम से लटकी हुई पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के प्रवर्त इनफंडिबुलम से स्प्लाइड हड्डी के गर्त में सेला टर्सिका में मटर के दायनुमा जो रचना लटकी हुई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, कौन कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आल्सो कॉल्ड द एडिनो हाइपोफाइसिस एज वेल एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये क्या है, पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी टू थर्ड से और लगभग 70-75% भाग तक बनाती है, रेस्ट बनाती है पोस्टीरियर। अब मेन पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर पिट्यूटरी वो यहाँ पर हार्मोन को रिलीज नहीं करती है, हार्मोन कंट्रोल करने के लिए स्टिमुलस रिलीज करती है। जैसे यहाँ पर जो हार्मोनल पार्ट हैं 7 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, लिखा रहता है जैसे यहाँ पर TSH does not secrete the thyroxin, it is essential for the secretion of the thyroxin, thyroid stimulating hormone, thyroid को stimulate कर रहा है ताकि thyroid क्या बनाए, thyroxin, thyroxin is secreted by the thyroid gland but is stimulated by the anterior तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमेशा क्या कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम उसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी थायराइड का फंक्शन आपको पता है थायरोक्सिन का। फिर इसी तरह से होता है ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को सिक्रीशन के लिए इन्फ्लुएंस करना ACTH, ठीक। नेक्स्ट आते जाइए FSH, नाम सुना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या काम है इसका, मेटोजेनेसिस इन द मेल एज वेल एज फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करना किसमें, फीमेल्स में, पुटिका कोशिका है जो ओवरी के अंदर होती है। नाउ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम देखा है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर जो बनता है उसको स्टिमुलेट करता है। एंड और बताइए GH सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या, इट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, आल्सो कॉल्ड द एक और नाम है पिट्यूटरी बोने का मिजेट्स, आल्सो कॉल्ड द नैनिज्म, such type of dwarf which are only physically dwarf not the mentally, they are fully developed, ठीक है, mentally fully developed है but physically dwarf is called the midgets, also called the nanism as well as the pituitary dwarfism, circus के जोकर होते हैं pituitary dwarf, ठीक। और जो thyroid dwarf होते हैं they are physically as well as mentally dwarf होते हैं। अब अगर growth hormone का excess भी पढ़ना है, इसी का पढ़ना है, hypo condition तो पढ़ ली, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन होगा, लेस सिक्रीशन होगा तो ड्वार्फ हो जाएगा, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्रिएट्स द
gigantism as well as or एक्ट्रोमेगली, नाम सुना है एक्ट्रोमेगली। गिगेंटिस माने डिस्प्रोपोर्शनेट साइज, साइज का बड़ा हो जाना, ठीक है, बॉडी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना, गिगेंटिस भीम कायता कहते हैं। दिस द डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, अगर बॉडी की ग्रोथ जैसे हमारी बोन्स बढ़ रही है, मान लो 7-8 फुट का व्यक्ति हो गया बड़ा, इज अ गिगेंटिस भीम कायता। अब निश्चित साइज के बड़े होने के बाद बोन नहीं बढ़ रहे, बोन का साइज रुक गया, लेकिन हमारी बॉडी में जो मसल्स है उसका लगातार साइज बढ़ रहा है और अंदर का बोन मैरो बढ़ रहा है, मटेरियल बढ़ रहा है, तो फिर बॉडी में जगह जगह से ऊपर निकलेगा हंचबैक, दैट इज कॉल्ड द एक्ट्रोमेगली। इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट साइज, मतलब जो भीम कायता है वो क्या हो गई, इररेगुलर हो गई। अगर अच्छा तगड़ा शरीर है, खूब लंबा चौड़ा है, खली की तरह, वो गिगेंटिज्म है, लेकिन अगर वो उसकी बोन की साइज रुक गया है निश्चित लंबाई बढ़ने के बाद और फिर बाकी जगह मास मसल्स बढ़ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर निकल आएगा, द हंचबैक इज कॉल्ड द एक्ट्रोमेगली। ये जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, बॉडी का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्ट्रोमेगली। तो ये सब किसके हार्मोन के एक्सेस से होता है। अब आपने एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और कौन सा रह गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन PRH, ये मिल्क सीक्रेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, वो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन आ जाएगा उसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एक और आता है इसमें मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, नाम सुना है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ द मिलेनिन पिगमेंट इन द बॉडी। तो मिलेनिन पिगमेंट जो बॉडी में बन रहा है इसको स्टिमुलेट करने के लिए मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दीज आर ऑल द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब हम आते हैं यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस में, देयर ओनली टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज कौन सा, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सीक्रेशन, जैसे PRL था वहां पर ऑक्सीटोसिन भी आल्सो कॉल्ड द पिटोसिन, इसी के आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं जानवरों में, ठीक है। तो मिल्क सीक्रेशन क्या होता है, टेम्परेरली बढ़ जाता है कुछ समय के लिए, आप जैसे कि भैंस खरीदने गए तो वो लगा के लाया, इंजेक्शन वो बेच दिया, आपने देखा अरे 6 लीटर दूध दे रही है, 3 दिन बाद 1.5 लीटर देगी, क्योंकि हार्मोन इंजेक्शन लगाया था, अचानक ग्रोथ बढ़ गई उसमें मिल्क सीक्रेशन की, न्यूट्रिएंट्स जितने भी थे वो सब मिल्क के रूप में बाहर आ गए। अब 2-3 दिन बाद जो है जब उसका असर खत्म, तो एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन 2-3 बाद देखिए 1.5 लीटर, तब तक आप खरीद चुके होंगे। तो ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं इससे मिल्क सीक्रेशन क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन नेचुरल मिल्क सीक्रेशन की ऑक्सीटोसिन है। बट वैसोप्रेसिन आल्सो कॉल्ड द ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये क्या करता है, यूरिन को बहुत ज्यादा डायल्यूट होने से रोकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, उसे कहेंगे यहां पर डायबिटीज इंसिपिडस, ध्यान रखिएगा वो मेलिटस नहीं है, वो मधुमेह है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके कारण से यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा रिलीज होगी और जो इंसिपिडस बने होता है टेस्टलेस यूरिन का मतलब है जो उसमें मिनरल्स की मात्रा है बहुत कम हो जाएगी ड्यू टू एक्सेस प्रेजेंट ऑफ द वाटर। अब एड्रिनल ग्लैंड में एक थोड़ा सा पार्ट है, मेन मेन ग्लैंड तो हमने आपको बता दिया, एक वर्ड यूज होता है फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के इररेगुलर सीक्रेशन से कभी कभी फीमेल्स में मेल जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, लेकिन मेल जेनिटल ऑर्गन फुल्ली डेवलप नहीं होता,
उसे कहते हैं फीमेल स्यूडो हर्मेटोटिज्म ड्यू टू द इररेगुलर सीक्रेशन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एज वेल एज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में जो मेल होता है उसमें मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगती है, नॉट द मिल्क सीक्रेशन ओनली डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स कॉल्ड द गायनेकोमेस्टिया। एक और होता है यहाँ पर एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम, एड्रेनोजेनिटल क्या हो जाएगा इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करेंगे लेकिन बट बोथ आर पुअरली डेवलप। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो रिप्रोडक्शन के क्या हो जाते हैं, इनकैपेबल हो जाते हैं, ये सब एड्रेनल ग्लैंड के इररेगुलर सीक्रेशन से होता है। तो आपने थायराइड पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया, एड्रेनल पढ़ लिया, पिट्यूटरी पढ़ लिया, इसके अलावा गोनेट्स जो है ओवरी और टेस्टिस आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। एक थाइमस ग्लैंड जरूर होती है, एक पिनियल होती है, पिनियल ब्रेन के पास होती है, थाइमस हाइड के पास होती है, थाइमस थाइमोसिन रिलीज करता है। ठीक, और इसके अलावा आपके में जो किडनी है उसमें भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं लेकिन वो आपके एसटी सिस्टम में पड़ लिया है। और आपके जो है टेस्टिस ओवरी वो आपके सर पड़ चुके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेन में इतनी ग्लैंड थी, कल से पढ़ाएंगे टॉपिक के हिसाब से शायद ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसेक्शन, बेटा सुबह कर लीजिए।